बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा गाया. शुक्रिया. अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपने किसको चांद कहा है और किसकी तरफ से गाया? आप देखे ना, डेफिनेटली दुल्हन को चांद कहा है मैंने. दुल्हा साहब साथ आप, बस अफसोस. नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर दुल्हा भी बहुत प्यारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं. गाने के बीच में आपने आए कहा था ना, आई नहीं कहा था. आया तो लड़का चांद था बेसिकली. देखो भी अब लड़ना नहीं. मैंने अपनी तरफ से दुल्हन को कहा. अच्छा अच्छा, आपको भी कहेंगे. वोटिंग करवा लेते हैं. वोटिंग करवा लेते. मेरे लिए तो चांद यही है, मैं तो यही कहूंगा. अरे वाह क्या बात की, तालियां हो जाए ना फिर. चले भी अब दूल्हा ने एक्सेप्ट कर लिया. हाँ. तो क्यों लड़ाई कौन सी? हाँ, नहीं लड़ाई होगी अब बिल्कुल. एंड पे दूल्हे को ही हार माननी पड़ती है. एंड पे दूल्हे को ही हार माननी पड़ती है ना. एक एग्जांपल मेरे साथ भी बैठी. अच्छा. मैं भाई बाजी जीता हूँ. हाँ आप बताएं खदीजा क्या हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, उधर ही बाजी जीती गई है. ये बाजी जीत ली गई है और यहाँ पे आपने गिव अप कर दिया. कोई ठीक है साथ, अब नेक्स्ट जो है ना वो गन. अच्छा अब साइमा मुझे ये बताइए कि शादी के चूँकि इवेंट्स होते हैं, बड़ा मज़ा आता है और जिस तरह ये हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो शादी आप ज़ाहिर फैमिली में शादियाँ होती हैं, तो क्या एक्सपीरियंस होता है फैमिली की शादी में और जो आपके करीब के रिश्तेदार होते हैं? कोई ऐसा नया ट्रेडिशन जो आप शेयर करना चाहे, जो आपके लाइफ में ऐसी चीज़ जो आप शेयर करें बताएँ जो आपने इन्जॉय किया? सबसे पहले तो शादी ही इतनी होती है कि उसमें ही इन्वॉल्व इतना आता है बंदा कि मज़ा आता है शादी का, दूल्हा को देख के, दुल्हन को देख के. अच्छा. फिर घर वाले जो होते हैं वो अपनी अपनी बारी पे जो जो करते हैं उनका तो एक अलग ही मज़ा है. मेहंदी का एक स्पेशल बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत मज़ा है. तो रस्मों का जो हमारे पाकिस्तान की जो रस्में, हम मुसलमानों की जो शादी की जो रस्में हैं वो तो माशाल्लाह इसी तरह है कि बहुत मजा आता है. मुझे आता है. बहुत शादियों का बहुत अच्छा. कई सेलिब्रिटीज जो है ना वो ये भी कहते हैं कि जी हाँ वो पैसे वाले, याद है हार होते थे पैसे वाले दुल्हा के. हाँ, हाँ. तो कई तो वो पैसे खींचते खींचते बचपन की बातें बता रहे होते हैं ना. अच्छा मुझे वो हार इतने बुरे लगते हैं ना जिसने दुल्हा ने पहने हो. शुक्र है यहाँ पे आज हमारे दुल्हा ने वो पैसों वाले हार नहीं पहने क्योंकि ये मेहंदी हो रही है. हाँ नहीं वैसे भी मुझे वो बारात पे हो या जो भी हो मुझे नहीं अच्छा लगता. और वो जो पैसा फेंकने की रस्म है बच्चे ने वो अच्छी लगती. अच्छा ये भी एक साइमा रिवाज है ना, दूध पिलाई जूता छुपाई. बिल्कुल ये बड़े अच्छे स्वीट से हैं, बड़े अच्छे लगते हैं. कोई इस हवाले से गाना गाएंगे आप? हाँ जी करते हैं इस हवाले से भी है ना. हाँ जी तो अब क्यों नहीं, इस वक्त हम बड़ा सारी रस्में जो है वो उजागर रही. हाँ. और इनको पता चलता रहे कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है. बिल्कुल. हमारी दुल्हन की अगर कोई रिक्वेस्ट है पता तो सिर्फ हम प्लीज बताइएगा दुल्हन की या दुल्हा की. मैंने कहा पता तो सिर्फ दूल्हे को चलता है कि जिसके पैसे निकाल रहे होते. चलिए फिर इसी बात पे दूल्हा की एक फरमाइश होनी चाहिए, आप बताओ क्या गाओ. मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है फिल्म चूड़िया से. Wow. अगर आप वो सुना दें तो I'll be really thankful to you. सॉन्ग था लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल. वाह वाह बहुत सी तालियों में ये खूबसूरत. और ये मेरी मदर का, आजरा जहां साहिबा का गाया हुआ सॉन्ग है. बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ. और मेरी तरफ से डेडिकेट टू माय वाइफ.
रंग